क्या आपने आलू और परवल की ये मसालेदार करी खाए हैं कभी? बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है, इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। आप इसे एक बार इस तरह से बना कर देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको दिखाऊंगी आज हमने किस तरह से परमल और आलू की मसालेदार करी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इजी प्रोसेस से मसालेदार आलू परमल की सब्ज़ी। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आप इसे उंगलियां चाट के खा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलिए बनाते हैं। मैं बनाऊंगी ये परमल आलू और मूंग की दाल का सब्जी मसाला करी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। परमल तो कई तरह से बनते हैं। मूंग का दाल में 1 कप से थोड़ा कम है, इसे आप चाहे आप 1 कप भी बना सकते हैं या थोड़ा इस तरह से इतना सा लेकर इसे धोकर साफ करके 2 से 3 पानी में इसे साफ करके भिगा लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसे अच्छे से भिगा लेंगे तो इसका बहुत अच्छा सब्जी बनके तैयार होगा। इसे 3 से 4 पानी में अच्छे से साफ करके मैं भिगा चुकी हूँ। इसे 10 से 15 मिनट भिगा लेंगे। मैं कच्चा मूंग दाल ली हूँ, आप इसे थोड़ा रोस्टेड भी लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए इसे भिगाएंगे और इसे पकने में समय थोड़ा ज़्यादा भी कर लेंगे। मैं कच्चा ली हूँ तो जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। ये जो परमल है इसे क्या करेंगे, थोड़ा इसमें हल्दी और नमक डालकर इसे मिलाएंगे। डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक। इस तरह डालने पर ये अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। इस तरह करने पर इसके अंदर तक मसाले लग जाते हैं। चल चुका है, इसका प्रिपरेशन करने के अंदर में ये पीक के तैयार हो जाएगा। चलिए इसे फ्राई करते हैं। गैस पर पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। 2 से 3 चम्मच इसमें तेल ऐड करेंगे इसे फ्राई करने के लिए। तेल गर्म हो जाने पर हम डालेंगे इसमें परमल आलू का मिश्रण जो हल्दी और नमक में लपेट लिया है, इसे डालकर इसे अच्छे से फ्राई करके इसे गोल्डन करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट वाला रेसिपी है, आप भी बनाए इसे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे इसमें, थोड़ी थोड़ी मसाले ऐड करेंगे। इसे इस तरह से चलाते हुए इसे गोल्डन फ्राई करते हैं। इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए इसे पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे और इसे क्या करेंगे, इसका लेड लगा लेंगे। एक टू इन काम, एक साथ में 2 काम हो जाएगा। स्टीम में ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये फ्राई भी तेल पर ये फ्राई हो रहा है। इस तरह से 2 काम एक साथ में होने लगेंगे। बीच बीच में इसे निकाल कर चलाते हुए इसे गोल्डन फ्राई करते हैं। 3 से 4 मिनट में ये गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में इसका मसाला करी बनाएंगे। ये परमल जो होता है ये यहाँ पर इसे पोटल बोलते हैं, कई लोग तो पोटल भी बोलते हैं, और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं इसे क्या कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच और तेल ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से सिक के तैयार है, फ्राई हो चुका है। इसे साइड में रख लेते हैं। तेल हमारा गर्म होने पर मैं इसमें डालूँगी साबुत जीरा और सूखी मिर्च, इसे डाल लेंगे। और इसे चटक जाने पर और मैं इसमें डालूँगी 1 तेज पत्ता, 2 टुकड़ा कर चुकी हूँ, और 2 हरी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा 2 टुकड़ों में कर चुकी हूँ, इसे डाल लेंगे। इसी समय क्या करेंगे, आप अगर प्याज ना खाते हो तो इसी समय क्या करेंगे, अदरक ग्रेट किया हुआ अदरक 1 इंच का 1.5 इंच का अदरक को ग्रेट करके इसमें डाल लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर प्याज डाल लूँगी। लहसुन और अदरक जब ना खाते हो इसे स्किप कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। अब
और इसमें 3 हरी मिर्च को चीरा लगाकर डाल लेंगे। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। ये जो मसाला करी है परमल वाला, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये भेज है, जो भेज खाने वाले उन्हें बहुत ही पसंद आएंगे। इस स्टेज में मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप खाते हो तो डालना, सिर्फ अदरक ग्रेट किया हुआ अदरक इसमें डालेंगे। इसे 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए उसके बाद मैं मूंग की दाल को छान के रख चुकी हूँ, तो इसको नीचे ऐड करेंगे। अब मैं डालूंगी जो छना हुआ दाल, इसे डाल लेंगे। ये मेरा कच्चा दाल है तो थोड़ा सा इसे भून लेंगे अच्छे से तेल में, और मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर, बड़ा साइज का टमाटर इसी समय डाल लेंगे। ये दाल के साथ में ये भी सब अच्छे से पक जाएंगे। ये 1 मिनट अच्छे से इसे भून लेंगे। तो 1.5 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी इसी स्टेज में ये कश्मीरी मिर्च है, मैं हरी मिर्च ऐड करी हूँ तो, और इसमें तीखा नहीं करेंगे। जब अगर आप तीखा खाते हो तो इसमें और थोड़ा 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ा सा लिए हैं, क्योंकि उसमें जो लाल फ्राई करते समय उसमें हल्दी डाले हैं, नमक स्वाद अनुसार। इसे डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी जो ऐड करेंगे इसमें गर्म पानी ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ये पकने में बहुत टाइम लगते हैं। अगर आप मूंग की दाल फ्राई वाला रोस्ट वाला लेते हैं तो उसे पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसे पानी में ऐड करूँगी, ये गर्म वाला पानी है। दो ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी। अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डाल लेंगे ये परमल और आलू का सब्जी। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। मीडियम कर लेंगे फ्लेम को। बस इस तरह से इसे पकने देते हैं। मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, इस तरह का हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। अरे देखिए दाल इस तरह का हमें साबुत थोड़ा दिखता है, इस तरह रहने पर बहुत ही सा स्वाद लगता है, बहुत अच्छा। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, हाथ में मैश करने पर इस तरह से मैश हो रहे हैं, इस तरह का हमें चाहिए। और इसे ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे तो ये मेल्ट होने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है ये। इसमें आप डालेंगे ज़्यादा करके थोड़ा 1 चम्मच भरा हुआ गरम मसाला, इसे ऐड कर लेंगे। गरम मसाला ऊपर से डालने पर ज़्यादा इसका स्वाद खुशबू बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया इसे भी डाल लेंगे। इसे डालकर थोड़ा सा मिला लेंगे और गैस कर लेंगे बंद। कितनी जल्दी झटपट वाली रेसिपी समझ सकते हैं आप। जो नॉन वेज ना खाते हों उनके लिए तो बहुत ही स्वादिष्ट वाला लौकी ड्रो है, घर पर बनाएं खाएं। और जो नॉन वेज ना खाते हों, जो खाते हों उनके लिए भी वो भी खा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं खा सकते। इस तरह से गैस कर लेंगे बंद। अब इसे ढक लेंगे। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट वाला रेसिपी है, झटपट बनाएं और गर्मा गर्मा परसिए। चलिए इसे परोस लेते हैं। लास्ट में इसके अंदर में मैं डालूंगी देसी घी। इसमें देसी घी डालने पर ऊपर से डालेंगे, बहुत ही इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो ये देसी घी ऐड कर रही हूँ मैं। इस तरह से आहिस्ता से इसे मिलाएंगे। सुंदर बन के तैयार हुआ है।
अब इसे ढक लेते हैं। चलिए इसे परोस लेते हैं। परमल आलू और मसाला करी जो बनाई हुई है मूंग दाल का, तो बन के झटपट वाला रेसिपी बन के तैयार है। इसे चावल के साथ मैं परोसी हूँ। आप इसे कुलचा, रोटी, पराठा, पूरी किसके साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।